नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइकोजेल क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, माइकोजेल क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और माइकोजेल क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि माइकोजेल क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में माइकोजेल क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। माइकोजेल क्रीम एक एंटी फंगल दवा है जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों और जांघों में भी हो सकता है, इसलिए नाखूनों और जांघों के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी माइकोजेल क्रीम का उपयोग किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। माइकोजेल एक ब्रांड नेम है। माइकोजेल क्रीम के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन माइकोनाजोल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइकोजेल क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में माइकोजेल क्रीम की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में माइकोजेल क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में लालपन, सूजन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइकोजेल क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। माइकोजेल क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और जिस एरिया पर क्रीम को लगाना है उस एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और हाथों व प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद माइकोजेल क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। माइकोजेल क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए और माइकोजेल क्रीम को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर माइकोजेल क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलाह देते हैं। माइकोजेल क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइकोजेल क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में माइकोजेल क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। माइकोजेल क्रीम को आँख, नाक और मुंह के अंदर लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए माइकोजेल क्रीम को आँख, नाक और मुंह के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको माइकोजेल क्रीम या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको माइकोजेल क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं माइकोजेल क्रीम को लगा सकती है या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को माइकोजेल क्रीम कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को माइकोजेल क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका माइकोजेल क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।